स्टूडेंट, आई एम सीमा शर्मा. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल कंडीशन. सो टू स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, आई विल सजेस्ट यू सम मेजर्स विच यू मस्ट फॉलो. दैट इज ईदर वॉश योर हैंड्स विथ हैंड वॉश और सोप, और यू कैन सैनिटाइज योर हैंड रेगुलरली. अवॉइड गोइंग आउटसाइड एंड ऑल्सो ऑलवेज यूज मास्क and maintain social distance. So due to lockdown because of COVID-19, we are not able to come to school. Therefore, I am going to teach you the first chapter of class 5, Kaanton Mera Banate Hain. So let's begin. Kaanton Mera Banate Hain. So let's begin. सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है. सुरमा नहीं विचलित होते, छन एक नहीं धीरज खोते. इस कविता में कवि यह कहना चाह रहा है कि जब विपत्ति आती है तो सिर्फ कायर को ही दहलाती है, सिर्फ कायर को ही दहलाती है. सुरमा इसे विचलित नहीं होते, नहीं डरते हैं और न एक क्षण के लिए अपना धीरज खोते हैं. विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. मतलब जो विघ्न बाधा है उसी को वो गले लगाते हैं और कांटों से अपना राह बनाते हैं. कांटों में वो अपना राह बनाते हैं, मुश्किल को ही वो अपना राह चुनते हैं. है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के पग में. खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़. मतलब कोई भी ऐसा विघ्न बाधा नहीं है जग में जो आदमी के सामने टिक सके, वह पर्वत के भी पांव खड़ सकता है. मनुष्य में ऐसा है हिम्मत. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. और जब मानव जोर लगाते हैं तो पत्थर को भी पानी बना सकता. गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर. मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो. मतलब मनुष्य में एक से एक गुण भरे पड़े हैं, बड़े बड़े गुण भरे पड़े हैं. जैसे मेहंदी में लाली होती है, बत्ती के बीच उजियाली होती है, वैसे ही मनुष्य में भी उसके अंदर बहुत सारे गुण छिपे होते हैं. बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी, वह नहीं पाता है. मतलब जो रोशनी नहीं जलाएगा वो जो बत्ती नहीं जलाएगा वो रोशनी कहाँ से पाएगा. कविता में यह कवि कहना चाह रहा है. इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर. दैट्स